Hello friends, welcome all of you. Today in this video we are going to learn about the health talk on malaria. This is very important health talk, and in this video you learn this health talk very easily or simply, and this is also useful for you for the examination purpose or for the assignment work purpose. So aiye dekhte hain health talk on malaria. हेल्थ टॉक में सबसे पहले हमको फ्रंट पेज बनाना है, मीन्स जो हम हेल्थ टॉक तैयार करेंगे उसका कवरिंग पेज या फ्रंट पेज, जिसमें सबसे टॉप पे हमको कॉलेज का नाम लिखना है. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एयर मलेरिया, हेल्थ टॉक ऑन मलेरिया. देन नेक्स्ट सबमिटेड टू मीन्स टीचर का नाम, जिस टीचर को हम सबमिट कर रहे हैं, एंड सबमिटेड बाई मीन्स नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर, एंड लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन. तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट या कवरिंग पेज बनाते हैं. और नेक्स्ट देखते हैं इसको हम थोड़ा बड़ा करके. यहाँ पर जैसे कि बताया था कॉलेज का नाम हो गया, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम. नेक्स्ट सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन मीन्स किस दिन को हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट करें. तो इस तरह से फ्रंट या कवरिंग पेज बनाना है. नेक्स्ट मीन्स जो स्टूडेंट टीचर हेल्थ टॉक ले रहा है उसका यहाँ पर हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा तैयार करना है. तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है. द नेक्स्ट क्लास कौन सा है उसका, टॉपिक, टाइम मीन्स कितने बजे हमें एल टॉक स्टार्ट करना है, ड्यूरेशन, डेट, लैंग्वेज, मेथड ऑफ टीचिंग, ए बी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्लेस मीन्स कहाँ पर हम एल टॉक ले रहे हैं, कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में. नेम ऑफ एवेल्युएटर मीन्स जो टीचर हेल्थ टॉक को इवेल्यूएट करेगा, मीन्स किस तरह से स्टूडेंट अपना हेल्थ टॉक अब जो सबमिट किया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट ग्रुप मीन्स किन को हम हेल्थ टॉक प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें, उसके बारे में लिखना. नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज मीन्स जो है मलेरिया का रिलेटेड नॉलेज है उसके बारे में हम पूछेंगे, टू चेक प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल अबाउट मलेरिया. नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स में टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द पीपल रिगार्डिंग मलेरिया एंड एंड ऑफ द टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट द मलेरिया मीन्स जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव की लोग मलेरिया डिजीज के बारे में जाने, अवेयरनेस रहे, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में एट द एंड ऑफ टीचिंग द ग्रुप इज एबल टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन, कॉजेज, साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. मीन्स जो लोग भाग हैं सारा अपना हेल्थ टॉक के बारे में, जो हेल्थ टॉक अटेंड कर रहे हैं वो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान जाए. हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें टू डिफाइन मलेरिया, टू एक्सप्लेन आउट द कॉजेज ऑफ मलेरिया, टू एनालाइज द साइन सिम्टम ऑफ मलेरिया, टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. तो इस तरह से हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट इसके बाद हमको हेल्थ टॉक का फॉर्मेट बनाना है जिसमें सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम, कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एक्टिविटी, ए बी एड्स एंड लास्ट में एवेल्यूएशन. तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसका फॉर्मेट तैयार करना है. जिसमें फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू मेक रिपोर्ट टू विद पीपल एट टाइम एनवायरमेंट का कंटेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना है. माई सेल्फ प्रदीप सिंह, स्टूडेंट ऑफ बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर फ्रॉम एच जी के नर्सिंग कॉलेज त्रिवेणी. तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन देना है आपका, जो भी कॉलेज उसका नाम अपना नाम यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक विद ग्रुप्स मीन्स जो हमको हेल्थ टॉक के बारे में, जिस हेल्थ टॉक पर हम टॉपिक दे रहे हैं अपना उसके बारे में लोगों को बताना है. तो यहाँ पर हमको अपना इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो लोगों को देना है. जैसे कि टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द मलेरिया, ए डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो. मीन्स लोगों को बताना है कि आज मैं आपको मलेरिया डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये मॉस्किटो के ट्रांसमिशन से होता है. इस तरह से एक मलेरिया का शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा. नेक्स्ट देखते हैं
टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, मीन्स जो ग्रुप है उनका प्रीवियस नॉलेज, मीन्स उनको मलेरिया के बारे में जानकारी है कि नहीं। इस तरह से टाइम लिखना है, कंटेंट हो गया पर। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मलेरिया, मीन्स ये हम उनसे क्वेश्चन आस्किंग करके पूछेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, टू डिफाइन मलेरिया, यार डेफिनेशन लिखना है। मलेरिया इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज बाई द इन्फेक्शन विथ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ट्रांसमिटेड बाई एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये हमको यहाँ पर मलेरिया का डेफिनेशन लिखना है। द नेक्स्ट हम इसको पिक्चर में भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को। नेक्स्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेज ऑफ मलेरिया, यहाँ पर मलेरिया के कॉजेज के बारे में हमको बताना है। फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं और इवेल्यूशन को वाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया। इसमें मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू द जीनस प्लाज्मोडियम, इन ह्यूमन मलेरिया इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओबेक्स, प्लाज्मोडियम बाइपेक्स। तो मिस जो मलेरिया का मेन कॉज है प्लाज्मोडियम, उसका हमको पता नहीं कौन कौन सी स्पीसी फैलता है। तो ये हमको बताना है कि मलेरिया मेनली प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो कोचेज के साथ रिस्क फैक्टर में, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई ब्लड, सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ए ट्रांसफ्यूजन, ए यूज शेयर नीडल और सिरिंज। मीन्स ये भी रिस्क फैक्टर हैं फॉर मलेरिया के। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा टू एनालाइज द साइन सिम्पटम मलेरिया, 3 मिनट का साइन सिम्पटम कंटेंट होगा इसमें। इसमें हम चार्ट के थ्रू इस कम्युनिटी में बताएंगे कि क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। यहाँ पर एवेल्यूशन लिखना है व्हाट आर द साइन सिम्पटम ऑफ मलेरिया। इस तरह से तो एक बार देखते हैं यहाँ पर, द क्लासिकल मलेरिया टेक लास्ट 6 to 10 hours, इट कंसिस्ट ऑफ कोल्ड स्टेज, ए सेंसेशन ऑफ कोल्ड शिवरिंग, हॉट स्टेज, देर इज ए फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड सीजर इन ईयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट स्वेटिंग स्टेज ईयर पेशेंट एक्सपीरियंस स्वेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड टायर्डनेस। तो ये मलेरिया की स्पेसिफिक स्टेजेज है। नेक्स्ट साइन सिम्टम मलेरिया में इंक्लूड फीवर, चिल्स, सरनल फीडिंग, अब डिस्कम्फर्ट, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये सारे सिम्टम्स हम यहाँ पर पेशेंट को चार्ट पर शो कर सकते हैं, जिसमें मलेरिया के लक्षण इस तरह से तेज़ बुखार आना, पसीना आना, टंग कपकपी लगना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, जी मसल आना, उल्टी, दस्त। तो ये सारे हमको चार्ट पर शो करना है इस तरह से जब हम कम्युनिटी में हेल्थ टॉक को दे रहे होते। नेक्स्ट एबनॉर्मल पेन, मसल जॉइंट पेन, फटीग, रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट एंड कफ, ये सारे हमने पढ़े थे भी साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मलेरिया। टाइप्स में चार्ट और एवेल्यूशन का एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। टाइप्स स्पेसिस ऑफ एनाफिलीज प्रेजेंट इन एन एरिया एट ए गिवन टाइम विल इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी और मलेरिया ट्रांसमिशन ईयर। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज द मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म मलेरिया, इज कॉज्ड बाय दिस स्पेसिस। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम बाइवैक्स ओवेल मलेरिया। तो ये मलेरिया जो डिफरेंट प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, तो उनके स्पेसिस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। मेनली प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट कॉज ऑफ मलेरिया का ये होता है। नेक्स्ट नंबर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं पर 7 पर, टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया, 3 मिनट के कॉम्प्लिकेशंस। सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया इंक्लूडिंग सेरेब्रल मलेरिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑर्गन फेलियर, एनीमिया, लो ब्लड शुगर। नेक्स्ट इसको हम पंपलेट पे शो कर सकते हैं। इवेल्यूशन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया इस तरह से।
नेक्स्ट ट्रीटमेंट में देखते हैं अपन, टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, 4 मिनट का होगा। ट्रीटमेंट में विद अर्ली ट्रीटमेंट मोस्ट पीपल विद मलेरिया विल मेक ए फुल रिकवरी एंड मेडिकेशन टू एलिमिनेट द पैरासाइट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम और सपोर्ट केयर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर दोज विद सीरियस सिम्टम्स इंटेंसिव केयर इन सम केसेस एंड मेन एंटी मलेरिया ड्रग्स आर क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन प्राइमिक्विन। तो इस तरह से हमको ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, इसको हम OHP पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर एवेल्यूशन को व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन में, यहाँ पर टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, टाइम होगा, कंटेंट होगा प्रिवेंशन, स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इंक्लूड बींग अवेयर ऑफ द रिस्क प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट्स फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट इन कवरिंग द आर्म एंड लेग्स, नेक्स्ट टेकिंग एंटी मलेरियल टेबलेट वैन ट्रेवलिंग टू द एरिया वेयर देयर इज मलेरिया, नेक्स्ट गेटिंग ए प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इफ सम थिंग्स दे मे हैव द डिजीज, नेक्स्ट ड्रैप मॉस्किटो नेट्स और बेड्स एंड पुट स्क्रीन ऑन विंडोज, नेक्स्ट वेयर लॉन्ग पैंट्स लॉन्ग स्लीव टू कवर योर हेयर स्किन, ट्रीट क्लॉथिंग मॉस्किटो नेट टेंट स्लीपिंग बैग्स एंड अदर फैब्रिक्स विद एन इंसेक्ट रिपेलेंट कॉल्ड परमेथ्रिन एयर, नेक्स्ट कट लॉन्ग ग्लास एंड रिमूव स्टैग्नेटेड वाटर नियर योर अकोमोडेशन एंड इफ यू थिंक यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड मलेरिया और मलेरिया लाइक सिम्टम्स सीक मेडिकल अटेंशन। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया, इस तरह से हमें लिखेंगे। द नेक्स्ट इन को हम चार्ट में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि घर के आसपास पानी न भरने दें, घर के बर्तनों को खाली रखें और बर्तनों को उल्टा करके रखें, घर में किसी भी चीज़ में पानी जमा न होने दें, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, रात को मच्छरदानी के अंदर सोएं, घर के अंदर कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। तो ये हम कम्युनिटी में उनकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उनको यहाँ पर इनके बारे में बताएंगे। तो चार्ट शो कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर OHPA चार्ट से हमने इसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ एवोल्यूशन को डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया, इस तरह से प्रिवेंशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में हमको टॉपिक का कंक्लूजन लिखना है, जिसमें मीनिंग सॉरी मलेरिया इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज बाय द पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। तो इस से हमको जो भी हमारा हेल्थ टॉक है इसको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट समराइजेशन 2 मिनट्स का, टू वी हैव डिस्कस अबाउट द मलेरिया इन द फॉलोइंग हेडिंग्स, डेफिनेशन कॉज एंड सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, लास्ट में रिकैपिटलाइज द टॉपिक हियर। रिकैपिटलाइजेशन मीन्स व्हाट इज हियर सम रिव्यू द अबाउट द मलेरिया क्वेश्चंस हियर, फर्स्ट व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, व्हाट आर द साइन सिम्टम ऑफ मलेरिया एंड टेल मी अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फॉर मलेरिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर हेल्थ का टॉक को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा हेल्थ टॉक ऑन मलेरिया टॉपिक, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल या प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। थैंक यू।